हेलो, कैसे हो आप लोग। स्वागत करती हूँ मैं आप सबका मेरे इस नए चैनल में जिसका नाम है वॉयला, वॉइस ऑफ इला अनंत आचार्य। एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर रिस्पॉन्स। सो आज मैं आपके साथ और एक पॉजिटिव इंटेंशन के साथ जो मेरा एक मैनिफेस्टेशन हुआ उसकी स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ। मेरा बेटा पढ़ता है 3rd स्टैंडर्ड में और उसको स्कूल में से वर्कशीट असाइनमेंट के लिए वो ऑनलाइन में उन लोग भेज देते हैं वर्कशीट और जो भी है स्पेशली मैथ्स और इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए। तो हर महीने में एक या दो वर्कशीट आती रहती है। तो दे वर नॉट प्रोवाइडिंग द हार्ड कॉपी, ओनली सॉफ्ट कॉपी। और कभी कभी एक दो बार तो मैंने उसको पूरा वर्कशीट का क्वेश्चंस लिख के दिया ताकि वो सॉल्व कर पाए। फिर वैसे जैसे स्कूल में होता है ना, कुछ चैप्टर पढ़ा तो उसके बाद उसको उसके हिसाब से उसके कुछ इमेजेस चिपकाने रहते, प्रिंट का थोड़ा सा काम रहता था। तो मतलब 1st 2nd स्टैंडर्ड में तो हम लोग वो स्टिकर्स आते हैं वो उससे चलाने लगे और यूजुअली ऐसा ही होता है। लेकिन फिर मेरा खुद का भी इच्छा था और क्योंकि मेरे मम्मी पापा के घर पे हम लोग ने प्रिंटर को यूज़ किया हुआ है मेरे कॉलेज के टाइम से, तो हमारे घर पे तो काफ़ी वो 20 साल से 3-4 प्रिंटर्स अलग अलग हमने ले लिए थे। लेकिन हमको मेरे घर पे यहाँ पे प्रिंटर लेने का कोई वैलिड रीज़न अभी नज़र नहीं आ रहा था कि क्यों ले उसको। लेकिन जब बेटे का ये वर्कशीट का और असाइनमेंट्स का सारा काम आया और कई बार ऐसा कुछ जो चाहिए रहता है स्कूल में वो हमको डायरेक्टली वो स्टिकर्स में नहीं मिलता हमको, तो फिर वो हमको गूगल से लेके कहीं से प्रिंट आउट करके मेरे घर से मेरे मम्मी पापा के घर से भी कभी कभी तो हम प्रिंट आउट करा लेते थे। तो वैसा सब चल रहा था। फिर सिर्फ ऐसे मन में ये पॉजिटिव इंटेंशन था कि एक प्रिंटर हो तो अच्छा रहता है, हम छोटी बड़ी चीज़ें काम पे कर सकते हैं। और आजकल तो प्रिंटर से प्रिंट नहीं होता, प्रिंटर कॉपियर स्कैनर और विथ वाईफाई सब अलग से हम मोबाइल से भी डायरेक्टली कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे फैसिलिटी वाला। तो फिर क्योंकि ये पॉजिटिव इंटेंशन था तो एक 2-3 महीने पहले वी डिसाइडेड टू हैव अ प्रिंटर। और बस ये प्रिंटर आने के बाद हमारा घर पूरा हमारे इमेजेस से सज गया है, क्योंकि हम लोग यूजुअली जब मोबाइल के आने के बाद ऐसा हो गया कि हम लोग बस इमेजेस निकालते रहते, सेल्फी निकालते रहते, कहीं पे भी जाते हैं तो 100-200 पिक्चर्स क्लिक कर लिए हमने, लेकिन कभी हम लोग उसका प्रिंट आउट नहीं निकल पाते। लेकिन फॉर्चुनेटली प्रिंटर के आने के बाद उसके असाइनमेंट्स, उसके जो स्कूल के सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए रहते वो तो प्रिंट आउट होते ही हैं। कभी कभी इमरजेंसी में सारा जो डॉक्यूमेंट के लिए हमको कॉपी चाहिए रहता है वो भी होता है, जेरोक्स कॉपी भी हो जाती है। लेकिन सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि मुझे जो हमारा विजन बोर्ड बना रहता था या मुझे जो हम सारे जो पॉजिटिव अफर्मेशंस के लिए मुझे जो चाहिए था, मुझे मेरे यूट्यूब चैनल के लिए कुछ इनपुट चाहिए, कभी उसको मैं कहीं कहीं से रिसर्च करके रख देती थी लेकिन प्रिंट आउट नहीं निकल पाती थी, उसको मैं अब अच्छे से घर पे ही प्रिंट आउट निकल पाती हूँ। और मेरे घर को बहुत सारे मेमोरीज से हमने भर दिया है, मेरे बेटे की 1st या 2nd बर्थडे का हो, मेरे हस्बैंड के बर्थडे का सेलिब्रेशन का कोई इमेज हो, हम लोग कहीं बाहर घूमने गए उसका कोई इमेज हो, वो कुछ भी हो, लेकिन नवरात्रि का हमारा जो हम लोग मस्त सज धज के जो तैयार होते हैं उसके सारे इमेजेस हमारे फिर कंप्यूटर में ही रह जाते थे। लेकिन ड्यू टू पॉजिटिव इंटेंशन अभी इस प्रिंटर ने हमको ये मौका दिया है कि हम ये सारे इमेजेस को प्रिंट आउट करके हम सजाए, दीवालों पे लगाए और उसको देख के इतने खुश हो कि हाँ यार ये भी क्या दिन थे। सो दिस इज़ एन अमेजिंग मैनिफेस्टेशन स्टोरी ऑफ पॉजिटिव इंटेंशन। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू इट एंड यू कैन डू इट द सेम। लव यू, बाय।